दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार। हम लोग मैथ का टॉपिक कुछ सीखते हैं, उसी क्रम में ये टॉपिक समानुपात है, यही सीख रहे थे, है ना। इससे पहले भी कुछ टॉपिक सीखे हैं। चलिए आज हम लोग समानुपात का ये क्लास तीसरा सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा आपको, ये टाइप टू है ना। तो ये अनुपात है, ये दो अनुपात हो गया, ये आपस में क्या है, ये भी एक अनुपात है, ये आपस में बराबर हो गया। पहला अनुपात ही दूसरा अनुपात, दो अनुपात बराबर हो गया, समानुपात कहते हैं। ये समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है, इसी टाइप से सारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो अनुपात का रूल है क्या कि बराबर के जो नज़दीक है उसको नज़दीक समझते हैं, अर्थात नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेते हैं, दूर का गुना दूर से कर लेते हैं। तो गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा तीन थियाई नौ एक्स, इसमें करेंगे तो बारह, इधर करेंगे तो हो जाएगा आठ एक्स, इधर करेंगे तो बारह दूना प्लस चौबीस, ठीक है। एक्स बराबर निकालना है, इसलिए एक्स को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, नौ एक्स में से आठ एक्स घट जाएगा तो एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये चौबीस में से बारह घटा लीजिए तो हो जाएगा बारह। हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे, अब ऑप्शन नंबर वहाँ सी हो गया। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो ये कहेंगे क्या तीन तिहाई नौ हो गया, तीन तिहाई नौ हो गया, यहाँ क्या हो गया आठ व एक्स हो गया, दोनों एक जगह नौ एक्स एक जगह आठ एक्स है, तो सेम डायरेक्शन है, घटा लीजिएगा डायरेक्ट एक्स बराबर बोलेंगे कैसे कितना, तो ये बारह हो गया, ये कितना हो गया बारह दुना चौबीस हो गया, चौबीस में से बारह घट जाएगा तो बारह, डायरेक्ट निकाल सकते हैं नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से हम लोग कर लेंगे। तो करेंगे यहाँ पर, तो नज़दीक में ये है तो क्या हो जाएगा, पांतियाई पंद्रह, ये पांतियाई पंद्रह ये हो जाएगा। चलिए देखिए तो क्या कहे, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेते हैं, दूर का गुना दूर से कर लेते हैं। नज़दीक में पाँच है यहाँ पर इतना टर्म, तो कर लिए तो पांतियाई पंद्रह हो गया ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पचे पच्चीस बी बराबर में, इसमें इससे करेंगे तो थ्री ए और प्लस में पाँच बी, ठीक है। अब ए को ए बी का रेशियो लिखना है, इसलिए ए को एक तरफ बी को एक तरफ लिख लेंगे, इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पंद्रह में से ये तीन घट जाएगा, घट घट के आएगा इसलिए घट जाएगा तो ये हो जाएगा बारह ए, और ये उधर जाएगा जुट जाएगा, है ना, ये निगेटिव है इधर पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है, जुट जाएगा ये उधर जाकर जुट जाएगा तो तीस बी हो जाएगा। कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे ये दोनों कट रहा है, ये कट रहा है कितने बार में, तो छः के पहाड़ा से दो बार में, ये पाँच बार में नहीं। अब दो रेशियो आपस में बराबर है, अनुपात में ही बताए थे, जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में रहता है, इसका गुणांक ए बी का रेशियो लिखना है, इसका गुणांक उल्टा लिख दीजिए, अर्थात ए का लिखना है बी वाला लिख दीजिए, बी का लिखना है ए वाला लिख, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और शॉर्टकट में बनाइएगा तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में ये होगा कि ये हो गया पांतियाई पंद्रह ए पॉजिटिव में, और ये एक से करेंगे इसमें तीन ए, वो ए भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में घटा दीजिएगा, कहेंगे कि बारह ए हो जाएगा, पंद्रह में से तीन घट गया बारह। अब देखिए ये हो जाएगा पच्चीस बी, नेगेटिव वैल्यू है, आई इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा पाँच बी, तो एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दीजिएगा, पच्चीस पाँच कितना हो जाएगा तीस बी, ठीक है, बराबर में आपस हो जाएगा दोनों। अब कट रहा है इसे दो बार में, इसे तीन बार में, यही चीज़ आ गया, ए बी का रेशियो लिखना है तो पलट दीजिएगा ये तीन तो ही दो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, कैसे समझेंगे कि ये समानुपात, तो ये रेशियो है ये रेशियो, दो रेशियो है बराबर का टर्म दिया हुआ है, तो हम समझेंगे समानुपात है और उसी का रूल अप्लाई करेंगे, उसका रूल है नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेते हैं, दूर का दूर से। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा बारह दूना चौबीस एक्स स्क्वायर प्लस बारह पच्चीस साठ साठ वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर तो बराबर, यहाँ से यहाँ करेंगे उन्नीस चौके छिहत्तर
छिहत्तर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा उन्नीस तियाईस संतावन वाई स्क्वायर। एक्स वाई का रेशियो लिखना है इसलिए x को एक तरफ y को एक तरफ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, छिहत्तर में से 24 घटाइएगा तो बावन हो जाएगा, माइनस बावन एक्स स्क्वायर। नहीं आइए कितना है ये क्या लिख दिए उन्नीस तीस संतावन ही है। ठीक है, संतावन में ये जोड़ देंगे कितना ये 60, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, संतावन 60 कितना हो जाएगा 117 वाई स्क्वायर, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर की तरफ है तो कट ही जाएगा। आइए 13 के पहाड़ा से इस चार बार में ही कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है घातांक करने के रूल से। अब यहाँ पर क्या आ गया 2x बराबर 3y, एक्स वाई का रेशियो है, अभी ये तो यहाँ बताए थे दो रेशियो आपस में, दो राशि आपस में बराबर है तो उसका गुणांक को पलट देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है, ये 3 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 20 सही आंसर है। अब 3 तो हो गया, 4, 5 ये एक ही जैसा का एक जैसा क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक है जोड़ के रूप में, एक है घटाव के रूप में, कैसे होगा देखते हैं, ऊपर बनाएंगे उसको। देखिए कह रहा है कि संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, ये ऑप्शन में से कोई एगो है ना, कौन सी संख्या जोड़ेंगी परिणामी संख्या जोड़ने के बाद जो आएगा वो समानुपाती हो जाए, तो माने कि एगो संख्या ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका कुछ अनुपात रहेगा, ये समानुपात का चिन्ह रहेगा वो अनुपात। तो कह रहा है कि 6 में 7 में 15 में और 17 इस सब में क्या जोड़े ना कि जोड़ने के बाद जो संख्या आ जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें k जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं सब में k जोड़ लेते हैं, सब में क्या जोड़ लेते हैं k जोड़ लेते हैं तो समानुपाती आ जाता है। तो k का वैल्यू कहाँ से, तो ऑप्शन से k का वैल्यू, k बराबर ऑप्शन से पुट कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी से ये ऑप्शन चेक करेंगे और देखेंगे, जैसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 1 रख के, तो 1 रखिएगा तो 6 न हुआ है तो k के जगह पर 6 रखिएगा तो 6 इसमें का 6 इसमें का तो 6, 6, 12 हो जाएगा, 6 यहाँ पर रखेंगे 6, 7 कितना हो जाएगा 13। समानुपाती, समानुपाती का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये हो गया तो समानुपाती संख्या हो गया। यहाँ 6 जोड़िएगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 23। ये कभी समानुपाती होगा, ये कुछ है ये कुछ है तो ये नहीं होगा, तो k बराबर 6 रखने से नहीं होगा। ठीक है, आप बारी बारी से चेक कीजिएगा, ये भी रखिएगा तो मोटे तौर पर नहीं होगा है ना, इसीलिए हम रखते हैं वो ऑप्शन नंबर डी रखते हैं के बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रखते हैं तो के वैल्यू क्या लिखेंगे 3, तो जब यहाँ 3 लिखेंगे तो क्या हो गया 6, 3, 9, 3 लिखेंगे यहाँ पर तो 7, 3, 10। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इसको काट देंगे तो 9:10 हो जाएगा। तो ये देखिए ये रेशियो आ ये रेशियो दोनों बराबर हो गया तो ये रेशियो क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही डी ही होगा, क्या होगा डी होगा। तो इसी तरह से बारी बारी से ऑप्शन पुट करके इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में कह रहा है प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए, इसमें था जोड़ने की बात, इसमें घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो भी संख्या उसमें के घटाते हैं, क्या जो भी संख्या उसमें के घटाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, पहला संख्या यहाँ 14 लिख देंगे, यहाँ पर कितना 36, समानुपाती लगा देंगे यहाँ 20 और यहाँ पर 54। ऑप्शन नंबर मान लीजिए कि इसमें के घटाने पर कम से कम के घटाते हैं तो संख्या समानुपाती हो जाता है, नहीं तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पुट करके देखते हैं के बराबर क्या, के बराबर 3 रख के देखते हैं क्या समानुपाती हो पाता है, समानुपाती का मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं,
तो तीन रखते हैं के बराबर, तो 14 में से तीन घटाइएगा तो 11 लिखेंगे, नहीं आइए तीन घर रखिएगा तो 36 में से तीन घटाइएगा तो 33 ना, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह, ये सत ये 20 में से तीन घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, है ना। आ ये कितना है 54, 54 में से तीन घटाइएगा तो हो जाएगा 51। अभी कट रहा है तो काट लीजिए, इधर का रेशियो कट रहा है 1:3 हो जाएगा, ये भी कट रहा है 1:3। तो हम लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर एक ही एकदम संतुष्ट कर दिया, नहीं ये रेशियो और ये रेशियो दोनों आपस में बराबर हो गया, तो बोलेंगे तीन ही घटाएंगे ना तो संख्या समानुपाती हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग, लास्ट में क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी क्या बहुत बार आया हुआ है ना, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, कह रहा है 15 गुड़ियों का मूल्य 35 रुपया है, कितना एक तरफ लिख लीजिए है ना, संख्या में जो गुड़िया है वो आ इधर मूल लिख लीजिए, और दूसरा तरफ बराबर के रूप में क्या संख्या लिखिएगा है ना, मूल्य लिखिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ 15 है संख्या में, इसका मूल्य कितना है, यहाँ मूल है 35। आइए 39 गुड़ियों का मूल, तो 39 संख्या में पहले लिखेंगे या मूल ना, मूल निकालना है तो यहाँ मान लेते हैं एक्स, नहीं गुना नहीं लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, ये मूल और संख्या और मूल में ये रेशियो, समानुपाती का यहाँ चिन्ह होगा, संख्या और मूल में ये रेशियो बनेगा, ठीक है। नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लीजिए, दूर का दूर से कर लीजिए, तो 15 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 39, कट रहा है तो काट लीजिए, ये 3 बार में, ये 7 बार में, आई से ही कट जाएगा कै बार में 13, तो 13 7 91 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको तो बहुत तरीका है, लेकिन हम समानुपात के रूल से सॉल्व किए हैं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का आज का क्वेश्चन था, आज का ये क्लास ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।